सीलिंग पीड़ित किसानों पर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में तथा जबलपुर को न्यायिक राजधानी बनाए जाने हेतु आज सिविक सेंटर गार्डन में जन जागृति अभियान की शुरुआत की गई। सीलिंग पीड़ित किसान समिति तथा आम नागरिक मित्र फाउंडेशन के बैनर तले किए जा रहे विरोध प्रदर्शन तथा जन जागृति अभियान में कहा जा रहा है कि सीलिंग पीड़ित किसानों को भूमाफिया मानकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी तरह से स्वतंत्रता के बाद जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था तब जबलपुर को राजधानी बनाए जाने का आश्वासन मिला था, लेकिन बाद में वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए जबलपुर को राज्य सरकार न्यायिक राजधानी घोषित करे। तो किसान भूमाफिया नहीं है, उसके जमीन पर जमीन हथियाए नहीं जाए, इस मुद्दे को लेकर भी आज जब भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था तब मध्य प्रदेश की स्थापना की उन्होंने घोषणा की और आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जाए, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि जबलपुर के छोड़कर उन्होंने भोपाल में राजधानी बना दी और जबलपुर को उसके जगह पर हाईकोर्ट का उन्होंने अनुशंसा की। तब हमको लगा था कि जबलपुर की अस्मिता अब बरकरार रहेगी, लेकिन हो क्या गया, ये हाईकोर्ट बनने के बाद हाईकोर्ट का विखंडन कर दिया गया है, अलग अलग जगह पर बेंचेस बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जहां पर भी हाईकोर्ट का मुख्यालय होता है वहां पर बोर्ड ट्रिब्यूनल आयोग आदि के मुख्यालय वहां पर होना चाहिए, लेकिन जबलपुर को छोड़कर मध्य प्रदेश में अन्यत्र जगह पर जैसे इंदौर भोपाल उज्जैन ग्वालियर सब जगह पर उन्होंने आयोग बना दिए, ट्रिब्यूनल कर दिए। उसका बेस्ट एग्जांपल यह है कि विद्युत मंडल यहाँ पर जबलपुर में था, लेकिन विद्युत नियामक आयोग का गठन जो है उसका मुख्यालय उन्होंने भोपाल में कर दिया। इस प्रकार की जबलपुर के अस्मिता पर हमेशा चोट लगाई गई है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में उन्होंने निर्णय लिया है कि प्रदेश की एक न्यायिक राजधानी बनाई जाएगी, उसमें हाईकोर्ट के अलावा अन्य चीजें भी न्यायालय बोर्ड ट्रिब्यूनल आयोग सभी वहां पर रखे जाएंगे। इसी प्रकार के हम लोग चाहते हैं कि चूंकि जबलपुर में ऑलरेडी हाईकोर्ट है इसलिए यहां पर भी जबलपुर को भी न्यायिक राजधानी बनाई जाए, हमारे जबलपुर की अस्मिता को बरकरार रखा जाए, राजधानी का दर्जा जबलपुर को दिया जाए जिससे कारण जबलपुर का महत्व बढ़े, जबलपुर की उन्नति बढ़े। इसी को लेकर हम लोगों ने विभिन्न संगठनों ने एक बैठक आयोजित की थी और बैठक